तो वेलकम है आपको हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल पे हम दोनों हस्बैंड और वाइफ और हमारी छोटी सी बेटी है और हमारी मम्मी भी हमारे साथ रहती है और हमारी और एक बेटी है जो कि स्कूबी डूबी है। तो हम घर में डेली व्लॉग्स भी करते हैं और हम ट्रैवल वीडियो भी बनाते हैं। तो हम अपने बेबी के लिए शॉर्ट वीडियोस भी बनाते हैं जो आप देख सकते हो हमारे चैनल पे और हम एजुकेशनल वीडियो भी बनाते हैं बेबी के साथ। तो धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आज के वीडियो। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बहुत दिनों बाद में आज हम फिर से एक प्रॉपर व्लॉग वीडियो बना रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है। बजे है टाइम 7:30 और घर पूरा उथल पथल होके है। यहाँ पे मम्मी पूरा एकदम सुबह सुबह देखिए भटोरे फ्राई कर रही है। शुतु इधर उठ गई है अपना ब्रश लेके और रिमोट लेके टीवी चलाएगी और ब्रश भी करेगी, वो भी पूरा फुल बिजी। यहाँ पे बिस्तर सब कुछ मिलाया जा रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी संडे। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं लालबाग। तो ये आपका बोटनिकल गार्डन है जहाँ पे फ्लावर शो वगैरह होता है। तो रिसेंटली मेरी फ्रेंड गई है तो वहाँ पे देखा ब्यूटीफुल फ्लावर्स। 26 जनवरी को बहुत अच्छा से ग्रैंड से मनाया जाता है वहाँ पे फ्लावर शो। तो हम लोग तो ऑलरेडी 26 ओवर हो चुका है तो देखते हैं आज मिलेगा कि नहीं, फिंगर क्रॉस। तो फ्लावर वगैरह देख पाए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर पाए। मिल जाएगा। 28 तारीख तक था फ्लावर शो लेकिन तब तुम्हारा रश रहेगा, फ्लावर तो इतने दिन में तो मुरझाएगा नहीं, तो रहना चाहिए और क्राउड भी कम रहेगा तो आराम से जाके घूम के आएंगे। तो देखते हैं, अभी तो जस्ट स्टार्ट किए हैं, 7:30 हो गया, 8 o'clock निकलने का बात था। तो देखे क्या होता है, आपको दिखाएंगे आगे आगे। हमारे कुछ फ्रेंड्स भी ज्वाइन करेंगे हमें, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जो हमारे फ्रेंड्स लास्ट वीकेंड जो हमारे घर में आए थे आपने वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो वो वीडियो देख लीजिएगा, दिखाते हैं आपको। फिलहाल अभी तो मुझे ब्रश करना पड़ेगा और सब कुछ करना पड़ेगा, तो मिलते हैं गाइस। तो गाइस हम लोग अभी निकल गए हैं। तो फिलहाल 8 o'clock को निकलना था लेकिन थोड़ा लेट हुआ, बच्चा होने से ही, बच्चा का ये वो करने से टाइम चला जाता है। तो अभी निकल रहे हैं और आपको दिखाते हैं ऑन द वे और आज हम लोग क्या क्या करते हैं, क्या देखते हैं। तो चलते हैं, आज का दिन शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग से, गुड मॉर्निंग। तो इसका स्माइल फेस से शुरू होता है ये वीडियो। और आप लोगों को लास्ट टाइम बोला था, ये देखिए पैर का हाल क्या हुआ है इसका, प्रे कीजिए जल्दी ठीक हो जाए। और यहाँ पे ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं और इधर मम्मी जी बैठी हुई है। गुड मॉर्निंग। ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं, आप कब गाड़ी चलाओगी, आप कब ड्राइवर साहब बनोगे? तो अभी निकलते हैं। चितू का मेडिसिन खत्म हो गया था ऑइंटमेंट, तो ये अभी खरीदा हम लोगों ने स्टॉपेज में और यहाँ पे अभी चितू को मेडिसिन लगाया है, ये देखिए। तो थोड़ा थोड़ा ब्लड निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा ड्राई होके ब्लड निकलने का जैसा हो रहा है, तो इसीलिए अभी मैंने लगा दिया उसको ऑइंट में और अभी फिर स्टार्ट किया कर दिए हम लोग ने। देखते हैं कितना बजे पहुँचते हैं। तो यहाँ से 52 मिनट्स है तो विद इन 1 आवर हम लोग पहुँच जाएंगे। और हमारे जो फ्रेंड है वो पहुँच गए क्या? वो भी स्टार्ट किए हैं। हाँ, तो हमारे जो फ्रेंड है वो भी अभी अभी स्टार्ट किया है क्योंकि उनका भी एक बेटा है, तो बच्चे रहने से थोड़ा लेट ही हो जाता है। तो बच्चे अगर बड़ा हो के खुद से खाने लगे, खुद से अपना काम करना कर सके तो फिर ईजी हो जाता है। तो अभी बच्ची है तो हमें ही टेक केयर करना पड़ता है। बाद में जब हम लोग टेक केयर करेंगे तो बोलेंगे मम्मी तुम ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो पापा। तो अभी जितना हो सके हम लोग करते हैं। तो फिलहाल आज संडे है, हम टोल गेट के यहाँ पे हैं लेकिन आज ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है। संडे है लेकिन पहले संडे उतना ट्रैफिक नहीं रहता था और आज ज़्यादा ट्रैफिक मुझे महसूस हो रहा है, ये देखिए। Thank you.
minutes. तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच गए MTR, द रेस्टोरेंट विच वॉज फाउंडेड इन 1924, मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड, लालबाग के पास रेस्टोरेंट MTR. रियल नेम जो है, फुल फॉर्म जो है वो है द मवाली टिफिन रूम्स. तो आइए और यहाँ पे आप भी कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी फूड है. मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड रेस्टोरेंट है. फ्रीडम फाइटर्स भी होते थे, वो भी यहाँ पे आते थे, उस टाइम से ये चल रहा है. तो आइए कभी और आप भी एंजॉय कीजिए. तो खाना हो गया, अभी हम निकल रहे हैं. हमारे फ्रेंड वहाँ पे हेलमेट ले रहे हैं और हम यहाँ पे थोड़ा फ्रूट्स देख रहे हैं. तो मस्त खाना था गाइस, आइए कभी खाइए यहाँ पे, वेरी टेस्टी फूड एंड इट्स 100 ईयर्स ओल्ड. आप देख सकते हो तो ये टाइमिंग कुछ दिया हुआ है, कितना टाइम में खुलता है ये. तो लाल बाग के पास आपको पार्किंग मिल जाएगा 50 रुपीज पर आवर करके. तो हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दिया. जो है ये बहुत ही पुराना क्लॉक है और आपको अगर याद है HMT जो घड़ी जो बनाते थे तो उनका है ये क्लॉक. अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे HMT लगा है, पता नहीं कैमरा में आ रहा है या नहीं आ रहा है. और ये अभी भी चलता है गाइस, अ वेरी ओल्ड क्लॉक और अभी भी ये चलता है. तो गाइस ये MP थिएटर है और ये MP थिएटर में पहले ब्रिटिशर्स लोग यहाँ पे जो भी फंक्शंस होता था वो सब होता था यहाँ पे. तो यहाँ पे जितने भी फंक्शंस और पार्टीज़ या जो भी होते थे ब्रिटिशर्स लोग जो भी करते थे वो यहाँ पे होता है, होता था. तो इसका नाम भी है बैंड स्टैंड, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है.
तो इस ट्रिप में हम खूब हंसे क्योंकि उत्कर्ष के साथ हम ट्रैवल इस बार पहली बार कर रहे थे और जो कमेंट्री जो उत्कर्ष देते हैं वो एकदम लाजवाब, मतलब आप हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। तो लीजिए आप भी कुछ सुनिए हमारे उत्कर्ष का कमेंट्री, जो व्लॉगिंग उनके स्टाइल का व्लॉगिंग। आप ये देखिए, किसी ने अपना किसी का हाथ काट के हम लोग यहाँ रख चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर शिवलिंग है इसलिए हम लोगों ने उसके हाथ को रख लिया और बाकी धड़ छोड़ दिया। और आप देख सकते हैं कि दो तरफ फूलों का मुरझाया हुआ गुलदस्ता जो कि ऑलरेडी मुरझाने के करीब है, और यहाँ से एक फ्रंट व्यू बहुत अच्छा लग रहा है जो कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा सुंदर बगीचा। हम लोग घूम रहे हैं अभी भी बोटेनिकल गार्डन में, ये फूल कुछ तरोताज़ा लगते हैं और मुझे अफसोस है इस कटे हुए हाथ का, पता नहीं किस बेचारे का हाथ था ये। गाइस देख सकते हो ये पूरा शिवलिंग के आकार का है, पूरा आकार से बनाया है। हाँ। अंदर में इवन की एक शिवलिंग भी है। हाँ। इसमें नहीं है लेकिन ये पास वाले जो है इसमें है एक शिवलिंग। इट इज अनुभव मंडप, अनुभव मंडप। इट वाज मैनकाइंड फर्स्ट डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाया गया है। एक्चुअली हम लोग का जो पार्लियामेंट है वो ऐसा ही बनना चाहिए था तो मजा आता। जो नया वाला पार्लियामेंट बना है दिल्ली में ऐसे शिवलिंग का, ये ख्याल आया नहीं मोदी जी को, हम लोग को ये फोटो भेजनी चाहिए उनको। ये थोड़ा पास से क्लोजअप लीजिए, ऐसा एक पार्लियामेंट्री सिस्टम बनना चाहिए। तो ये यहाँ पे ग्लास हाउस के पास में आप इतने सारे गाड़ी देख के अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से आप चढ़ के आप पूरे बॉटनिकल गार्डन घूमोगे और एल्डरली पर्सन किसी को लेके आ रहे हो तो ये आपका भूल धारणा है। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि ये सारे प्री बुक्ड है, तो आपको सीधा गेट जाना पड़ेगा और गेट से आपको बुक करना पड़ेगा जो कि हम जा रहे हैं अभी, और वहीं से आपको टिकट लेके उसके बाद यहाँ से ये एक स्टॉप है। तो दिस इज नॉट द एंट्री पॉइंट, ये जस्ट एक स्टॉप है गाइस। आप देख सकते हैं कि हम लोग के स्वागत के लिए लोग यहाँ डांस कर रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा चुका है, छोटे छोटे बच्चों को लाया गया है हम लोग के स्वागत के लिए। मैंने वेव कर देता हूँ, थैंक यू वेरी मच। हाथियों के बारे में मैं बताऊं, जैसे आप देख सकते हैं एक बड़ा हाथी है उसके साथ एक छोटा हाथी है। तो हाथी अगर जिस रास्ते से गया, अगर मान लीजिए जंगल के किसी एक रास्ते से वो जाता है तो वो लाइफ टाइम उसी रास्ते से जाता है और उसके साथ उसकी अगली जनरेशन भी उसी के साथ जाती है। अच्छा। तो इन केस अगर उस रास्ते में अगर आपने कभी कोई मकान बना दिया या वो रास्ता कभी डाइवर्ट कर दिया गया तो हाथी अगर उसके बीच में अगर कभी पानी भर गया या नदी बन गई या कोई बड़ी बिल्डिंग आ गई तो हाथी कभी रास्ता मुड़ता नहीं है, वो रास्ते को उसको मकान को तोड़ देगा, मकान को तोड़ के मतलब जाएगा। हाँ जाएगा, लेकिन कभी रास्ता बदलेगा नहीं, इसीलिए हाथी कुछ कुछ रोड से भी क्रॉस करते हैं। हाँ, क्योंकि कुछ उनके पूर्वज उसी रास्ते से जाते थे। अच्छा। अब उसके बीच में हाईवे आ जाए, उसके हाथ में मकान आ जाए या कोई नदी नहीं बन जाए, वो नहीं मानते इस बात को। उनको याद कैसे रहता है सूंग, मतलब कुछ ये उनकी एक मेमोरी होती है खास जो कि उनके साथ लाइफ टाइम चलती है, और वो मेमोरी एक तरह से उनके बच्चों में भी चली जाती है। अच्छा। लालबाग बोटेनिकल गार्डन का ये ग्लास हाउस है, आप पूरा देख सकते हैं इतना बड़ा एक ग्लास हाउस है। नागालैंड जंगल हाउस। हाँ, नागालैंड का जंगल हाउस। देखिए आंटी को बता है नागालैंड का जंगल हाउस। लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी फोटो ले ली जाए, तो मैं उनकी फोटो ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल हाथी के साथ। तो एक्चुअली ये कार्व नहीं किया है ये, हम बंगाली में इसको बेत बोलते हैं, बेत। हाँ, बेत का है, सही कह रहे हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल स्कल्पचर, सो मच डिटेलिंग ना, सो मच डिटेलिंग। पूरा बेत को बेंड करके बनाया गया, देखिए बेंड करके, इसके नाखून भी बनाए गए हैं कितने प्यारे हैं। और ये इसकी पूंछ, यू नो आप बताते हैं हाथी पे चढ़ते हैं लोग पूंछ पकड़ करके भी। हाँ, पूंछ पकड़ के भी और उसके सूंड पकड़ करके, लेकिन पूंछ पकड़ने से वो मतलब मार, हाँ तो मरने के तरीकों में आता है ये
हाउ टू डिसाइड, आइए लाल बाग के बारे में बात। अच्छा, लोग कहते हैं कि हैदर अली ने इसको 1760 में स्टार्ट करवाया, बाद में टीपू सुल्तान ने इसको कंप्लीट करवाया, और उसके बाद अंग्रेजों के समय में एक डब्लू स्मिथ थे जो कि मेयर हुआ करते थे, उन्होंने फिर इसको डेवलप करवाया। प्लस टीपू सुल्तान ने जब टेक ओवर किया था, वो जितने भी विलुप्त जाति के जो जितने भी प्लांट्स है वर्ल्ड के कोने कोने से लाके वहाँ पे यहाँ पे उन्होंने प्लांटेशन किया। ही वाज एक्चुअली मॉडर्न थॉट उसके अंदर, मॉडर्न थॉट्स थे इंडिया को लेकर के, वो बहुत ही प्रोग्रेसिव था। तो वो एक बोलने के लिए कर्नाटका के लिए या इंडिया के लिए ये पार्क एक गिफ्ट है। हाँ, अभी भी है, बहुत कर्नाटका ने इसको बचा के रखा है, दैट इज वेरी गुड। और शहर के बीच में 240 एकड़ का ये पार्क है, शहर के बीच में 240 एकड़ कैसे बच गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये मतलब ये हॉर्टिकल्चर जो पढ़ते हैं उनके लिए, बॉटनिस्ट के लिए ये मतलब स्वर्ग है उनके लिए। इंडिया का ये एक तरह से इंस्टीट्यूट है, फैमिलीज के लिए तो मतलब बहुत ही अच्छा है। आपको अच्छे मतलब क्लीन एयर मिलेगी, आपके लंग्स आपको थैंक यू बोलेंगे। बैंगलोर में रहते हैं तो जरूर आइए, लेकिन हाँ खाना मत लेके आइएगा। हाँ, खाना अलाउड नहीं है, हम लोग को बाहर ही जलील करके भगा दिया गया इसको रख के आइए कार में। तो आई गेस आपको देख, आप देख सक रहे हो सामने बेंच पे पूरा एकदम गोद रख के सोया जा रहा है। तो हाँ, उस तरह से इतना तक अलाउ करते हैं, लेकिन हम ये इनकरेज नहीं करते आपको, अपने रिस्क पे जो कीजिएगा, जो मन करे करिए, जो मन करे। बड़े बड़े पेड़ भी हैं यहाँ पर, बड़े बड़े पेड़ भी हैं, उनका भी आप फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पे, अपने रिस्क। डिस्क्लेमर मोर, शी वांट्स टू बी, शी इज कैमरा शाय, ओके, इफ शी बिकम्स मोर कम मोर कैमरा शाय, वो फेसेस योर फियर, मींस शी विल फेस हर फियर ऑफ कैमरा शाय, then that fear will be gone and she can overcome, so record her, so she can be more shy, very good, and if she removes it or put it on again, वो शायर है, वो डांसर है, वो बहुत डांसर भी है, अरे मस्त डांसर, और इंस्ट्रूमेंट भी बजा सकते हैं, कौन सी, कोई भी, और इंसानों को भी बजा सकते हैं गिटार का पता नहीं, बट पियानो थोड़ा बहुत बजा लेते हैं, और ढोलक भी बजा सकते हैं, मृदंग बजा सकते हैं, डबरू बजा सकते हैं, और शायरी करते हैं, इनसे बोलिए कि आपको शायरी सुनाएंगे आज। शायरी आज नहीं, फिर कभी किसी दिन। आप क्या बोलना चाहेंगे, आपको कैसा लग रहा है यार? आपको कैसा लग रहा है परी? तो पापा कैसा लग रहा है? हमेशा तो हम अकेले अकेले निकलते हैं, तो इस बार बहुत ही अच्छा लग रहा है, निकले तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, अलग एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ से अकेले अकेले और बच्चे को संभालते हैं, ये जितनी भी कार्विंग की गई है, जितने भी ये सब बनाए गए हैं, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ये बेफेलो देखिए बनाया गया है, इसका जो फेस आप देखेंगे, और ये 250 साल पुराना पेड़ है, 2018 में सब कार्विंग करके बनाया गया है। अच्छा है, मतलब टूटे हुए पेड़ को लोग जला देते हैं, एटलीस्ट इन्होंने उसको रिमेम्बरेंस रखा है। हाँ, ये कहने के लिए रहेगा कि ये वही पेड़ का है टीपू सुल्तान ने जो लगाया था। कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, देखिए इसका नाम जानते क्या है, इसका नाम है मदर नेचर वूम्ब, मतलब एक मदर बनाया गया है और उसके बीच में से वूम्ब में से बच्चा निकल रहा है। देखिए गाइस कितना सुंदर से, सोच इसकी कितनी अच्छी है, ये पूरा मदर बनाई गई है और उसके वूम्ब से एक बच्चा निकल रहा है, कितना मतलब सोच ही देखिए, मतलब कितना मतलब आर्टिस्टिक ख्यालात है ये। तो आइदर यू कैन बर्न द ट्री और यू कैन प्रिजर्व द हिस्ट्री। तो इस तरफ आपका वॉच टावर के ठीक ऑपोजिट में आपको मिल जाएगा बॉन्साई पार्क, यहाँ पे आपको कुछ भुट्टा ये सब भी आपको खरीदने को मिल जाएगा। चलते चलते हमारे रास्ते में पहाड़ और दरिया आ रहे हैं, पर्वत और दरियाओं को चीरते हुए हम ऊपर चलते जा रहे हैं, और इस यात्रा को हम सफल बनाएंगे चाहे पर्वत ही क्यों ना आ जाए, चढ़ते जाएंगे। ये मिशन हम पूरा करके छोड़ेंगे, मिशन पूरा है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, तो यही वो मुश्किल वक्त है, हम चढ़ते जाएंगे कारगिल की पहाड़ियों पर, ये संघर्ष, ये बेंगलोर में है, ये संघर्ष हम पूरा करेंगे, ये हमारी अग्नि परीक्षा है, जब देश का सवाल हो और YouTube पर वीडियो डालने की बात आ जाए तो हम कहीं भी चढ़ जाते हैं। तो आज हम चढ़ते चढ़ते नीलगिरी की पहाड़ियों पर चढ़ रहे हैं। वैसे बता दिया जाए ये 3000 साल पुराना पत्थर है, इसकी कार्बन डेटिंग की गई थी, डब्लू स्मिथ करके भाई साहब थे, उन्होंने करवाया था अंग्रेजों के जमाने में, और देख के भी लग रहा है काफी पुराना है। अलग बात है कि मंजुनाथ लव्स कविता लिखा हुआ है यहाँ पर, आम भारतीय अपने प्रेम की निशानी यहाँ छोड़ चुके हैं। ये देखिए सामने सर कितना सुंदर लग रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो ये भी एक गेट है, तो यहाँ से भी आप आ सकते हो। इसके कई शायद 5-6 गेट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ
साउथ से करके गेट है और बीच में भी छोटे मोटे गेट के अंदर आने से मतलब पता नहीं चलता कि हम ये कंक्रीट जंगल से घिरे हो। और यही है वो वॉच टावर जिसको अभी गवर्नमेंट ने बना दिया है, ये थोड़ा बहुत कंक्रीट। तो आज के लिए इतना गाइस, इस वीडियो को अभी यहीं पे करते हैं खत्म क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। तो इसका मैं एक पार्ट टू लेके आऊंगा क्योंकि यहाँ से हम फिर और एक जगह गए तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो उसके लिए आप वेट कीजिए हमारे पार्ट टू वीडियो के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही कीजिएगा और लाइक एक छोड़ दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो, और नहीं लगा तो भाई डिसलाइक भी कर दीजिए और कमेंट्स में हमको बताइए कि हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। और बस इतना ही गाइस, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग।